और उज्जैन में बाबा महाकाल लोक का सवारने का काम लगातार जारी है। महाकाल लोक परिसर का विस्तार भी हो रहा है। दूसरे चरण के कई काम पूरे हो गए हैं, जिनका लोकार्पण 5 अक्टूबर को होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान नव निर्मित अन्न क्षेत्र का लोकार्पण करेंगे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए दिन दिवाली जैसे हर घर में दिए जलाए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आतिशबाजी रहेगी। इधर श्राद्ध पक्ष में लोकार्पण को लेकर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। आमतौर पर श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य, शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम नहीं किए जाते। हालांकि महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस धारणा को गलत बताते हुए ये साफ कर दिया कि श्राद्ध पक्ष सबसे पवित्र माह माना जाता है। फेस टू के अनुभूति वन में हम खड़े हैं और इस समय खूबसूरती का नजारा हम हमारे बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को दिखाते हैं, जो महाकाल फेस के जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको लेकर खूबसूरती का नजारा अनुभूति वन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कुछ समय अपने परिवार के साथ इस अनुभूति वन में आकर ध्यान भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और खूबसूरती नज़ारे को अपनी अपनी आंखों में कैद भी कर सकते हैं। और इसी के ठीक पास में बनाया है जहाँ पर बाबा महाकाल का दर्शन करने के बाद ध्यान कुटी, जहाँ पर श्रद्धालु आकर विधि विधान के साथ वहाँ पर बाबा का नाम ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 5 कुटियाएँ बनाई है जिसमें ध्यान केंद्र के नाम से वहाँ पर बाबा की साधना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार महाकाल लोक की जो सुप्रसिद्ध पूरे विश्व में जो पहचान बनाई थी, उसी के बाद महाकाल लोक फेस के 5 अक्टूबर को शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन।